धन्यवाद खुशबू। जब आप अंतिम वक्ता होते हैं और उसके बाद अध्यक्षोद्बोधन होना होता है तो आपके ऊपर बहुत दबाव होता है और समय की भी अपनी मर्यादा है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से जल्दी अपनी बात को पूरा करूंगा। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक साथी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बंधुओं, मैं कला का विद्यार्थी हूँ तो गांधी का जीवन दर्शन के अंतर्गत मैं जिस बात पे अपनी बात रखूंगा वो है गांधी की कला दृष्टि और सिनेमा। इस ये जो विषय है इसके अंदर 3 20 शब्द हैं, गांधी, कला और सिनेमा। इसमें से जो 2 बीज शब्द हैं गांधी और सिनेमा, वो अपने आप में एक द्वंद्वात्मक सी स्थिति उत्पन्न करते हैं, उनके बीच में एक द्वंद्व है। और मैं कथा, कहानी, सिनेमा का विद्यार्थी हूं, मुझे पता है कि जिस कहानी में द्वंद्व होता है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कहानी बहुत रोचक हो जाती है। इसलिए गांधी और सिनेमा की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक है। अपने जीवन काल में और उसके बाद भी, गांधी के जीवन काल में और उसके बाद भी, सिनेमा जिस गांधी के पीछे भागता रहा, गांधी उस सिनेमा से पीछे भागते रहे। गांधी सिनेमा से क्यों भाग रहे थे ये हम जानेंगे, परंतु मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सिनेमा गांधी के पीछे कैसे भाग रहा था और क्यों भाग रहा था। सिनेमाटोग्राफर्स एक्ट जो है वो 1917 में आ गया, और जो प्रथम फिल्म इस देश के अंदर जिस पर रोक लगाई गई वो थी भक्त विदुर। जब आप 1915 से 1925 के बीच की जो फाइलें हैं, जो अभिलेखागारों में रखी हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागारों में जो फाइलें रखी हैं, आप उनको पलटेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक नोट आपको 1921 का मिलेगा, जो एक अंग्रेज अधिकारी ने द्वारकादास संपत और कांजी भाई राठौड़ को लिखा है। एक भक्त विदुर के अभिनेता है और दूसरे प्रोड्यूसर, निर्माता है। तो जो ब्रिटिश अधिकारी लिखता है वो लिखता है कि आप हमें मूर्ख समझते हैं, इसमें जो आप विदुर की भूमिका, जिसको जिसके रूप में विदुर की भूमिका को निभा रहे, विदुर नहीं वो गांधी है, और हम आपको इस फिल्म को प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दे सकते। और वो फिल्म जो है उस पर रोक लगा दी जाती है। ये पहली घटना, पहली फिल्म जो जिस इस देश के ऊपर जिस पर रोक लगाई गई, उसकी उसमें गांधी केंद्र में थे। ये इस बात को स्थापित करता है कि सिनेमा अपने शुरुआती काल से गांधी के पीछे जो है वो चला हुआ था। दूसरी घटना हमको मिलती है, एक फिल्म आई वंदे मातरम आश्रम। वो फिल्म जो थी वो गांधी की शिक्षा नीति को केंद्र में रख करके बनाई गई थी, और उसमें एक सबटाइटल भी शुरुआत में आता है जो इस बात को स्थापित करता है। उस फिल्म को रोक दिया गया और उसके जो जो प्रोड्यूसर थे वो बेचारे बैंक्रप्ट हो गए, और उसके बाद वो कभी फिल्म नहीं बना पाए, इतना नुकसान हो गया उनको। जो तीसरी फिल्म है, एक संत तुकाराम के ऊपर फिल्म बना रहे थे वी शांताराम, फिल्म का नाम था महात्मा। अब महात्मा नाम होना ही अंग्रेजों के लिए बहुत था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इसका नाम बदलिए, और फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का नाम हुआ धर्मात्मा, और फिर जो है वो फिल्म रिलीज हो पाई। तो ये इस बात को स्थापित करता है कि अपने शुरुआती काल से ही सिनेमा जो है वो गांधी के पीछे भाग रहा था। एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा, और ये सिनेमाटोग्राफर्स एक्ट से पहले का उदाहरण है जो हमको मिलता है, 17 से पहले का उदाहरण है। एक मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर एक बिजली का अधिकारी होता था, उसका नाम था ग्रीनवुड। उसका काम यह था कि वो जहां जिन प्रेक्षागृहों में फिल्में दिखाई जा रही हैं, उन प्रेक्षागृहों का इंस्पेक्शन करे और ये देखे कि क्या वहां फिल्में दिखाई जा सकती हैं, किसी तरह की कोई हानि उस भवन को तो नहीं है। वो बिजली अधिकारी था, वो इसका सर्टिफिकेट लोगों को देता था और फिल्में दिखा ली जाती थी। देखते ही देखते ग्रीनवुड जो है उसकी जो दखल थी वो सिनेमा के कंटेंट पे भी होने लगी, और उसका एक नोट मिलता है जो चेन्नई के अभिलेखागार में रखा हुआ है। स्टीफन ह्यूगस नाम के एक रिसर्चर हैं, उन्होंने इस विषय पर काम किया है, तो उनके माध्यम से वो नोट मिला और हम उसको जान पाते हैं। वो एक खुफिया पत्र लिखते हैं अपने अंग्रेज अधिकारियों को, और उस खुफिया पत्र में वो लिखते हैं कि भारत के अंदर 3 तरह की फिल्में नहीं दिखाई जानी चाहिए। पहला कारण वो जो देते हैं, जो पहला सुझाव देते हैं, वो नैतिक आधार का देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं, ये जो नैतिक है वो भी राजनीतिक है। नैतिक से उनका अर्थ था कि ऐसी फिल्में जो अंग्रेज महिलाओं की छवि को दूषित करती हैं उनको नहीं दिखाया जाना चाहिए। ये राजनीतिक इसलिए है क्योंकि जो पूरे साम्राज्यवाद का जो शासन है अपने उपनिवेश के ऊपर, वो इस तर्क के आधार पर टिका हुआ है कि जो हमारी कौम है वो आपकी कौम से ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारी नस्ल आपकी नस्ल से ज्यादा श्रेष्ठ है। और जब आम भारतीय उन फिल्मों को देख रहा है और उनमें
अंग्रेज महिलाओं को शराब पीते, प्राच्य पुरुषों से संबंध बनाते, बार में जाते देखता है, तो उसको लगता है यार इनकी जीवन शैली कितनी निरर्थक है। और ये जो पूरा तर्क है, ये जो पूरी तर्कपूर्ण बात है कि हमारी नस्ल आपकी नस्ल से श्रेष्ठ है, वो धाराशाही होकर गिर जाती है। इसलिए वो जो पहला आधार बनाता है वो नैतिक आधार बनाता है। दूसरा जो वो जो सुझाव देता है, जिस तरह की फिल्में भारत में नहीं दिखाई जानी चाहिए, वो है ऐसी फिल्म जिसमें मोहम्मद साहब या इस्लाम हो, उनको दिखाए जाने से भारत में बचना चाहिए, उनको प्रेक्षागृहों में नहीं दिखाना चाहिए। और जो तीसरी बात कहता है, वो कहता है ऐसी फिल्म जो गांधी की छवि को किसी भी रूप में प्रस्तुत करती हैं, उस फिल्म को भारत के अंदर नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो एक तरफ वो बात कर रहा है नैतिक आधार की, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि धर्म आधारित फिल्मों को, और तीसरी बात वो गांधी की कर रहा है। तो ये बात स्थापित करने के लिए बहुत है, ये उदाहरण जो मैंने आपको दिया वो इसलिए दिए कि स्थापित करते हैं कि गांधी से अंग्रेज कितने डरे हुए थे। और ये तो सिर्फ सिर्फ भारत की बात नहीं है, अपितु वैश्विक स्तर पे भी गांधी जो है वो कई फिल्मकारों को प्रभावित करते हैं। हम सबको चैपलिन का उदाहरण पता है कि 1931 में गांधी जो है वो चैपलिन से मिले थे, और गांधी के अनुयायी हैं, उनकी शिष्या है मॉरियल लेस्टर, उनकी एक पुस्तक है एंटरटेनिंग गांधी, उनको 2 बार नामित भी किया गया है नोबेल के लिए। तो वो विस्तार से उस पूरी बैठक के बारे में जिक्र करती है, और वो बता रही है अपने पुस्तक में कि चैपलिन जब गांधी से मिले थे तो चैपलिन इस बात को लेकर के गांधी से प्रश्न पूछ रहे थे कि आप जो है वो मशीनों से इतनी घृणा क्यों करते हैं, क्या कारण है, मशीनों ने तो हमारा जो जीवन है वो सुविधाजनक बनाया है, आप क्यों इतनी घृणा कर रहे हैं मशीनों से। और गांधी अपने तर्क रख रहे थे, उनके पास अपने तर्क थे, जाहिर सी बात है। चैपलिन ने उनकी इस बात को नहीं माना, और अंततोगत्वा चैपलिन वहां से निकले। जब चैपलिन से बाहर एक रिपोर्टर ने पूछा आपकी गांधी के बारे में क्या राय है, तो चैपलिन ने कहा कि वो बहुत ही अ वेरी ड्रामेटिक पर्सनालिटी, उनके भीतर नाटकीयता के तत्व हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1936 में चैपलिन अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म बनाते हैं मॉडर्न टाइम्स, और मॉडर्न टाइम्स का केंद्र है कि किस तरह से मशीन जो है वो मानव का, मनुष्य का शोषण कर रही हैं। और चैपलिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम भी है माई ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखते हैं कि मॉडर्न टाइम्स बनाने की जो प्रेरणा है वो मुझे मिली 1931 में गांधी से बात करते समय। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि गांधी ने वैश्विक स्तर पर जितने भी कलाकार थे, जितने भी फिल्मकार थे, उनको आंदोलित किया। और जब मैं बात कह रहा हूं आंदोलित किया, तो महत्वपूर्ण है मैं आचार्य नंदलाल बोस के बारे में थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि वो भी इस बात को कहते हैं कि गांधी ने जीवन दुनिया भर के कलाकारों को अपनी तरह से आंदोलित किया है, और नंदलाल बोस जी को भी आंदोलित किया था। 1934, 36 और 38 जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे लखनऊ में, फैजपुर में और हमीरपुर में, उसका उस अधिवेशनों को सुसज्जित करने का जो काम था, सजाने का जो काम था, वो गांधी ने आचार्य नंदलाल बोस को दिया था। और ये महत्वपूर्ण है, ये बात समझना महत्वपूर्ण है कि वो विशुद्ध राजनीतिक आयोजन थे, परंतु राजनीतिक आयोजनों में भी एक सौंदर्य बोध की परिकल्पना करना, ये महत्वपूर्ण बात है। और ये इस बात को स्थापित करता है कि गांधी अपने जीवन के तमाम कार्यों में, छोटे छोटे कार्यों को कितना सुरुचिपूर्ण तरीके से करते थे, कि वो राजनीतिक आयोजनों को भी सुसज्जित करने की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस बात को भी समझना जरूरी है कि आचार्य नंदलाल बोस इस समय तक, 1934 तक, इस बंगाल के एक छोटे से इंटेलेक्चुअल क्लास तक सीमित थे, और जब गांधी की सार्वजनिक स्वीकृति उनको मिली तो वो रातों रात प्रख्यात कलाकार हो गए। और जो भारत के संविधान का अलंकरण किया है वो भी आचार्य नंदलाल बोस ने ही किया है, और 2 अध्यायों में उन्होंने गांधी की छवि को उसमें यूटिलाइज किया है। ये स्थापित करता है कि गांधी की कला दृष्टि कैसी थी। अब मैं इस बात पर आऊं कि गांधी सिनेमा से क्यों भाग रहे थे, तो इसके कुछ कारण हमको मिलते हैं। एक है कि सिनेमा की प्रभावक क्षमता। हम सब जानते हैं सिनेमा कई सारी कलाओं को अपने भीतर आत्मसात किए हुए है। जैसे उदाहरण के लिए, जब कविता के साथ संगीत मिलता है तो वो ज्यादा लुभावना और ज्यादा सुरुचिपूर्ण हो जाता है। हम कबीर के गीतों को देख लें, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हुई जीने जीने, जब इसको हम कुमार गंधर्व के स्वर में सुनते हैं तो इसकी जो निर्गुणता है वो नए आयाम तक पहुंच जाती है। हमारे सामने जो निराकार ब्रह्म की परिकल्पना है, जो कबीर ने जिसको ध्यान में रख करके लिखा था, वो परिकल्पना कुमार गंधर्व के स्वर के माध्यम से हमको मिलती है। तो सिनेमा की प्रभावक क्षमता तो और अधिक होगी, क्योंकि उसमें तो अन्य कलाएं भी वो आत्मसात किए हुए हैं। तो किस तरह से कॉमन मैन परसीव कर रहा होगा सिनेमा को,
ये समझना महत्वपूर्ण है। और गांधी इस बात को लेकर के चिंतित थे, क्योंकि गांधी लोकनायक थे। लोकनायक वो इसलिए थे क्योंकि लोक चित्त के साथ उनका एक तादाम्य स्थापित था, इसलिए वो इस बात को समझते थे कि इसकी प्रभावक क्षमता अधिक है। दूसरी चीज, मौर्य लेस्टर ने ही एक पुस्तक है अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले प्रकाशित हुई, गांधी की मेजबानी, रजा फाउंडेशन ने उसका हिंदी अनुवाद किया था। उसमें मौर्य लेस्टर विस्तार से गांधी के आश्रमों में किस प्रकार का व्रत और किस प्रकार के अनुष्ठान हो रहे हैं उसके बारे में वो बात कर रही हैं। प्रमुख रूप से कुछ चीजें होती थी जो गांधी के आश्रमों में जिसका पालन होता था, सत्य का पालन होता था, अहिंसा का पालन होता था, ब्रह्मचर्य का पालन होता था, अस्तेय का पालन होता था। क्या उस समय की जो सिनेमा की सामग्री थी वो इन व्रतों के पालन में किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करती थी, ये सोचने वाला विषय है। शायद इसका उत्तर है नहीं। हमें यह समझना होगा कि गांधी सिनेमा के विरोधी नहीं थे। गांधी सिनेमा के अंदर जिस तरह की सामग्री आ रही है और तकनीक का प्रयोग जिस तरह से पूरी कला को आभाहीन बनाने के लिए किया जा रहा है, गांधी उससे चिंतित थे। और इस तरह का चिंता जो है वो सिर्फ गांधी ही नहीं व्यक्त कर रहे थे, तो प्रेमचंद ने भी इस तरह की चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि सिनेमा का जो उद्देश्य है वो हमारे मन की पश्चाताओं को जागृत करना नहीं है बल्कि सुकोमल भावनाओं को जागृत करना है, और इसलिए मैं साहित्य को ज्यादा बेहतर मानता हूं। परंतु मैं यहां इस बात को कहना चाहूंगा कि नरोत्तम दास नागर, उन्होंने हंस में उनका एक पत्र प्रकाशित हुआ जो प्रेमचंद ने प्रकाशित भी किया, उन्होंने कहा कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं सुकोमल भावनाओं को जागृत करने की, वो बात तो सिनेमा बेहतर तरीके से कर सकता है। और ऐसा नहीं है सिनेमा ही सिर्फ मनुष्य के भीतर की पश्चाताओं को जागृत करता है बल्कि साहित्य भी करता है, और वो उदाहरण भी देते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सिनेमा के अंदर जिस तरह की सामग्री है गांधी उसको लेकर के चिंतित थे। अब मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा ये कहते हुए कि के अब्बास, जो ख्वाजा अहमद अब्बास जिन्होंने राज कपूर की ज्यादातर फिल्में लिखी, उन्होंने 1939 में गांधी को एक पत्र लिखा था। अंग्रेजी में वो पत्र है और उसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस प्रकार है कि बापू आप महान आत्मा हैं और आपके मन में किसी के लिए किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इस देश के अंदर एक कला माध्यम आया है सिनेमा, हम उसके मजदूर हैं। आप जैसे सभी मजदूरों को अपना आशीर्वाद देते हैं, आप हमें भी अपना आशीर्वाद दें। गांधी के जीवन काल में तो अफसोसजनक है ये कि सिनेमा को किसी भी तरह का कोई आशीर्वाद नहीं मिला सिनेमा की सामग्री को लेकर के, परंतु हम उसको निष्कर्ष की तरह ना देखें क्योंकि गांधी ने अपने जीवन में बहुत से प्रयोग किए और सभी प्रयोगों का निष्कर्ष हमको नहीं मिला। गांधी यदि और जीवित होते तो वर्तमान समय के सिनेमा में उनकी राय शायद कुछ और होती, क्योंकि ये वो सिनेमा है जो हमारे भीतरी मन को, हमारे आंतरिक मन को परिष्कृत कर रहा है। अभी हाल ही में जिस फिल्म को ऑस्कर मिला, भारत से एलिफेंट विस्पर, यदि गांधी ऐसी फिल्मों को देखते तो सिनेमा के प्रति उनकी राय दूसरी होती और वो शायद सिनेमा का भी प्रयोग अपने आश्रम वासियों के मन में एक अपने आश्रम वासियों को दिखाने के लिए करते, और जैसा के अब्बास चाहते थे गांधी के द्वारा भी हमारे सिनेमा को आशीर्वाद मिला होता। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।